हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लॉगरिथम का पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग तरीके का, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, log 3 base 5 इंटू log 3 625, ठीक है, base 3। ओके, अब हम इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, हम इसको इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम अभी log 3 base 5 ही रखते हैं, लेकिन जो 625 है हम उसको तोड़ सकते हैं कैसे। 5 से जैसे हम इसको डिवाइड करें, 5 1 12 5 2 10 into 25 5 25 times 5 10 5 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
नहीं हो जाएगा लॉग 8 to the power 4 base 3। इसको और हम अगर आगे तोड़ देते हैं तो लॉग 3 base 5 into 4 पहले आ गया, ठीक है, 4 into log 5 base 3, ठीक है, तो आगे और क्या हो जाएगा, 4 को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, into log 3 base 5 into log 5 base 3। अभी देखिए अगर हम इसको और अगर तोड़ते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 into log 3 divided by log 5 into log 5 divided by log 3। तो यहाँ पर log 3 log 3 log 5 log 5 कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा, 4, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा डी जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है log p base 10 प्लस log q base 10 इज इक्वल्स टू log base 10 p प्लस q। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसा। तो यहाँ पर हमको p का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो देखिए ये जैसे लिखा हुआ है log p प्लस log q, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log PQ base 10 ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखा रहता है log AB बेस, मान लीजिए कुछ भी C लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, log A बेस C प्लस log B बेस C। तो सेम अपोजिट हम इसको log A इंटू बी ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, ऐसे। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, log बेस 10 पी प्लस क्यू, ठीक है। तो हम दोनों बोथ साइड से लॉगरिथम दोनों का बेस सेम है तो हटा सकते हैं, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, तो पी क्यू माइनस पी दैट इज इक्वल्स टू क्यू। अगर हम पी यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्यू माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है ना। तो फिर पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, log m बेसड प्लस log 2 बेसड इक्वल टू 2/3, यानी log बेस टू 8 m प्लस log
बेस 8 है, दैट इज इक्वल टू 2/3। तो हमको यहाँ वैल्यू ऑफ m निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सेम जैसा हमने पहले पहले मैंने फार्मूला जैसा यूज किया, दोनों का बेस सेम ही है। तो हम इसको m इंटू 2 बेस में ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए, जब अगर हम चाहें एक साइड में लॉग है, लॉग है एक साइड में लॉग नहीं है, ठीक है। तो हम अगर इसको लॉग हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे हम लिख सकते हैं। ये मान लीजिए 2m, मतलब 2 इंटू m जो है दैट इज इक्वल, और हम लॉग हटा रहे हैं तो क्या होगा, 2m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 जो बेस में है ना उसका पावर जो नेक्स्ट साइड में है वो 8 के पावर में चला जाएगा, मतलब 2/3 ये पावर में आ जाएगा। ये रूल है, अगर हम जैसे मान लीजिए लॉग लॉगरिथम जब भी हटाते हैं, मान लीजिए कि लॉग है, मान लीजिए लॉग है कितना, मान लीजिए कुछ भी ए है, मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हुआ 10, ठीक, और बेस मान लीजिए ई है, हाँ, तो हम अगर हम लॉगरिथम हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो हम ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई जो है ई कहाँ पर जा रहा है, ई यहाँ आ जाएगा और जो इस साइड में है वो इसके पावर में आ जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो सेम इसी फॉर्मूले पर ये आता है, ठीक है। अभी देखिए 8 को अगर हम तोड़ेंगे, जिसमें 2 से डिवाइड किया मैंने, तो 2^3 हम लिख सकते हैं, यानी 2m इज इक्वल्स टू 2^3, मैंने 8 को लिखा और इंटू जो पावर में 2/3 था, 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2m, दैट इज इक्वल्स टू 2^2, यानी 2m इज इक्वल्स टू 4, यानी m इज इक्वल्स टू आ जाएगा आंसर आपका 2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जाएगा सी, ठीक है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैं ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करा, ठीक है, यानी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है लॉग, ये बेस में दैट इज इक्वल टू 5x+3 इज इक्वल टू 2, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें यहाँ एक्स का वैल्यू निकालने को बोला जा रहा है, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम जैसा हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया ना, वैसे यहाँ पर भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 5x+3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, अभी जैसे यहाँ पर क्या है 3√3, अभी यहाँ से यहाँ पर ई है तो e^10 हो गया, मतलब इधर का जो है, इधर का जो भाग है वो इसके पावर में चला गया। तो सेम आप यहाँ पर भी देखिएगा क्या हो जाएगा, 3√3 जो है 3√3 इसके पावर में 2 आ जाएगा ना, ओके, समझ में आए। जैसे यहाँ पर e है तो e के पावर में क्या हो गया 10, जो नेक्स्ट साइड में है वो, तो वैसे ही यहाँ पर e के जगह पर क्या है 3√3 और नेक्स्ट साइड में 10 के जगह पर 2 है, तो ये हो गया। और दिस इज इक्वल टू, मतलब a के जगह पर क्या है अपना 5x+3, समझ में आ गया, ओके, ठीक है। इसके बाद 5x+3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इज इक्वल टू होता है 3, अगर डबल रूट आता है ना तो रूट हट जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 इंटू 3 अगर ऐसा आएगा तो क्या होगा, 2 से 1 रूट हटा, यानी 3√3 ऐसा होता है, ये रूट में
मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5x+3 दैट इज इक्वल्स टू 9 × 3, 5x इज इक्वल्स टू, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर बेस में क्या है, ये रूट में 2 है ना, हमने 3 लिख दी मिस्टेक से, कोई बात नहीं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, 2, यानी कि दिस इक्वल्स टू व्हाट, 18, और 3 इधर गया तो माइनस हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5, यानी 3 टाइम्स, यानी आंसर आपका 3 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए नंबर, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।